हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन इन ए कार्टेशियन फॉर्म एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए पोलर फॉर्म। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज ए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सपोज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई। ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू ए पोलर फॉर्म। वट इज पोलर फॉर्म? सो पोलर फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? आर मीन्स वट, मतलब यहाँ पे आपका आर और ये थीटा के टर्म में रहता है, ठीक है? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इसमें आपका क्या क्या चीज़ है? दो चीज़ है आपका, एक आर है और एक थीटा है, ठीक है? सो व्हाट इज आर? सो द आर इज मॉड जेड, मीन्स व्हाट? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी नो दैट हाउ टू फाइंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज हियर एक्स? एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस या नो? यस, एक्स इज अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वाई इज ए, एक्स इज अ रियल पार्ट एंड वाई इज ए इमेजिनरी पार्ट, राइट? इन शॉर्ट आई एम राइटिंग इट, ओके, इमेजिनरी जेड। ओके, सो दिस इज वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट आर एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट थीटा। वॉट इज थीटा? थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। वी नो दैट हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट इट, बट इन दिस क्लास आई वॉन्ट टू ऑल्सो डिस्कस दिस। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आर्ग्यूमेंट जो हम लोग निकालते हैं। ओके, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मीन्स वट? सो बिफोर फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वी नीड टू कैलकुलेट टेन थीटा। सो वट इज टेन थीटा? टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, मॉड वाई बाई एक्स। तो हियर, ओके, सो दिस इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग थीटा। So here we can find out theta by theta equals to what? 10 inverse mod y by x. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा को इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद आपका थीटा कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, इसके लिए आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता था एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन फोर्थ, राइट? सो इफ थीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स इट्स एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, देन आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू थीटा, राइट? तो आर्ग्यूमेंट जो होता था वो थीटा का वैल्यू जो है वही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है? बट इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन दिस क्वाड्रेंट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, देन वी कंसिडर आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, राइट? एंड इफ इट इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स एक्स इज negative and y both are negative, then यहाँ argument is pi plus theta, right? And if fourth quadrant means x is positive, y is negative, then argument equals to how much? So 2 pi minus theta, okay? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, argument को find करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग argument calculate कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक example के through जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज हमको दिया हुआ है जेड इक्वल्स टू माइनस वन माइनस आई, ठीक है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एंड वी नीड टू कैलकुलेट इट्स पोलर फॉर्म। ओके, मींस हमको इसको कन्वर्ट करना है किसको? आर और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के टर्म में इसको हमको क्या करना है, लिखना है। तो कैसे इसको लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, आर कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका। ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर। तो आर इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एक्स कितना है, एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस वन पे स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे माइनस वन पे स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस वन अंडर रूट टू। ओके, सो आर इक्वल्स टू हाउ मच? अंडर रूट टू। We need to find out what? Theta means argument of z equals to what? ठीक,
यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, मॉड अंडर वाई बाई एक्स, माइनस वन बाय माइनस वन मीन्स वन, थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, थीटा इक्वल्स टू योर पाई बाय फोर, राइट, 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, वन का मान कितना में होता है, टेन 45 डिग्री है ना, तो यानी थीटा इक्वल्स टू पाई बाय फोर। नाउ अब हम लोग सेकेंड में क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो किस क्वाड्रेंट में हमारा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स देखेंगे, यदि हम लोग एक्स क्या है, माइनस वन है, वाई भी आपका क्या है, माइनस वन है, यानी एक्स वाई दोनों क्या है हमारा, निगेटिव है। जब दोनों हमारा निगेटिव होगा तो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर किस, यहाँ पे देखिए इसका जो आर्ग्यूमेंट लेंगे वो क्या लेंगे, जब दोनों निगेटिव होगा तो हमारा पाई प्लस थीटा होगा, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू कितना आपका हो जाएगा, ये आपका पाई प्लस थीटा, ठीक है, यानी पाई आपका हो गया ये, और थीटा हमारा कितना आया है, पाई बाय फोर, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो गया, फाइव पाई बाय फोर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पता चल गया हमको। अब क्या करना है, इसको पोलर टर्म में लिख देंगे, तो पोलर टर्म में हम लोग जानते हैं आर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। तो हियर आर इक्वल्स टू हाउ मच, रूट अंडर टू एंड कॉस दिस इज पाई बाय फोर प्लस आई साइन पाई बाय सॉरी फाइव पाई बाय फोर, ओके। सो दिस इज द फाइनल पोलर फॉर्म ऑफ दिस कार्टेशियन फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो ये आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यदि आप लोग यहाँ पे इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग लें तो हम लोग उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू यदि आर्ग्यूमेंट का टेकिंग करेंगे तो, ठीक है। तो यदि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर टू, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस माइनस थ्री पाए बाय फोर प्लस आई साइन माइनस थ्री पाए बाय फोर, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में जो है आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए डिटेल में पढ़ाया था, और प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जनरल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, मॉड कैसे निकालते हैं, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्लास 11th का मैथ में आपको मिल जाएगा ये सारा टॉपिक, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू।